नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जिला पुलिस द्वारा शहर सिरसा में टाउन पार्क में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस राहगिरी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य पुलिस व जनता में आपसी संबंधों को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में यातायात नियमों की पालना करना व नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जाता है। वहीं इस अवसर पर DSP राजेश कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम में हर महीने में 2 बार किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन व पुलिस के बीच में बेहतर तालमेल बढ़ाना है तथा जनता के बीच एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे डर का माहौल दूर हो। वहीं अपराध पर अंकुश लगाना और यातायात नियमों के साथ साथ नशे से दूर रहने का इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ताकि लोगों में संदेश दिया जा सके। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अलग अलग तरह से कर्तव्य दिखाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी इसमें धूम रही। पुलिस प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ प्लीज और सभी इनका अभिवादन करेंगे। राजीव गुप्ता जी एवं डॉक्टर विनय जी तालियां प्लीज बच्चे से बच्चे के लिए। वेरी वेरी गुड। ठीक है सर। कैसा लगे? बहुत बढ़िया। गुड। यस परीक्षित। फॉलो ये सिर्फ स्मेल से ही नहीं फॉलो करेगा। आप दही से भी चले जाइए, स्पीड से भी मूव करेंगे तभी स्पीड से भी भागेगा। वेरी गुड वेरी गुड। तालियां बजाएंगे इस बच्चे के लिए ये सिर्फ स्मेल से फॉलो कर रहे हैं। और आप चेक कर सकते हैं पट्टी के नीचे लटके लगे इसको कुछ फेस भी नहीं है, कहीं से कोई नजर नहीं आता है। सम्राट शंकर से कम नहीं है ये बच्चा। थैंक यू वेरी मच। और भी इसमें 5:30 बजे आपसे निवेदन है। यहाँ भी राजे आप और बैलों के गले में जब घूरू जीवन का राग सुनाते हैं हमको तो दूर हो जाता है खुशियों के कवन मुस्कुराते हैं। पुलिस सिरसा पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर मिला और मैं आपसे 2-3 बार पिछली बार जब राहगिरी का कार्यक्रम हुआ था उसके बाद से आज कई गुना ज्यादा लोग आए हुए हैं और लास्ट संडे को राहगिरी थी तो बारिश के कारण हमारी पोस्टिंग हुई थी उसकी वजह आज करवाई जा रही है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लोगों का उत्साह देखने लायक है। बच्चों ने भी बड़ा पार्टिसिपेशन किया है। गणेश वंदना से लड़की चाहत जो है बेटी गणेश वंदना से शुरुआत हुई है आज। अभी बहुत सारे क्लब्स हैं जो समर गेम्स लगाए हुए हैं उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट किया है। इसका जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि वो मेन है प्रशासन और पब्लिक के बीच का जो गैप खत्म हो, खासतौर पर पुलिस विभाग का। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को भी रिक्वेस्ट की गई थी पर कुछ मजबूरी रही क्योंकि नहीं आ पाया कोई भी, और पुलिस डिपार्टमेंट तो है सतर्कता से तैयार। तो मेन मकसद है कि पुलिस पब्लिक और जो प्रशासन और पब्लिक के बीच का जो गैप खत्म हो और सब लोग आपस में एक सौहार्द के भाव में और एक खुलेपन के भाव में रहें।